गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के लर्न एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महाजनपद काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका कार्यकाल है काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हरियंग वंश के किस शासक को कुलिक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियंग वंश के किस शासक को कुलिक कहा जाता है? तो वह है अजातशत्रु। अजातशत्रु हरियंग वंश का वह शासक था जिसे कुलिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदायन जो है यह मगध का शासक था जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो वह शासक है आपका कालाशोक के शासन काल में जो है आपके द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसको काकवर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 323 यानी 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? तो उसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन कहां है आपका? इराक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंद वंश का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महानंदी या नंदीवर्धन कहा जाता है इसको, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो वह ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो वह कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वह घनानंद जो है यह नंद वंश का आखिरी शासक था, जिसको चंद्रगुप्त ने पराजित करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। घनानंद जो है या घननंद भी कहा जाता है इनको, तो यह नंद वंश का आखिरी शासक था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो यह है अवंती के जो राजा थे उनकी चिकित्सा के लिए जो है बिंबिसार ने जो है अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया था? तो वह शासक है आपका बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो वह है आपका शिशुनाग। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो वह हुआ आपका 600 ईसा पूर्व। ओके गाइस, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।